हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि बेबी सनरोज की जो प्लांट्स है उस प्लांट्स के लिप्स से आप किस तरह से नए नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। ये है बेबी सनरोज की प्लांट्स। इसके फ्लावर्स देखिए बहुत सुंदर होते हैं, रेड और पिंक में। लेकिन आप इस लिप्स से ही आप नए नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं मैं दिखाऊँगी। ये है बेबी सनरोज की प्लांट्स और ये है इसकी लिप्स। आपको क्या करनी है, ये लिप्स को तोड़नी है। तोड़ के इस तरह मैंने काफ़ी सारे लिप्स को तोड़ा हुआ है। ये बेबी सनरोज की लिप्स है। अब हमें क्या करनी है, इस तरह से सारे लिप्स को सेट करके रखनी है। इस तरह से मैंने सारे लिप्स को सेटिंग कर लिए हैं। अब हमें क्या करनी है, ये है हमारी कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट। अब हमें इसके ऊपर हल्के हाथों से इस तरह से डाल देनी है। इस तरह से हम डाल देंगे। हमें क्या करनी है, हमारे जो लिप्स है इस लिप्स को हमें आगे पीछे दोनों तरफ से ही कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट से अच्छी तरह से इस तरह से ग्रो करनी है। तो हमें इस तरह से सारे लिप्स को लगा देनी है। देखिए इस तरह से, और क्लोज करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इसे आगे पीछे दोनों तरफ से ही हमें कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट डालनी है। कोकोपीट डालने से जो जड़ है, रूट्स की डेवलपमेंट जो होती है काफ़ी जल्दी हो जाती है, रूट्स काफ़ी जल्दी निकल आते हैं। तो अगर हम कोकोपीट से लगाते हैं तो हमारे रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलती है। तो इस तरह से आप बेबी सनरोज की प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो और फिर जेट प्लांट के लिप्स को भी आप इस तरह से ग्रो कर सकते हो। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, मैंने खुद ट्राई करके देखे हैं। तो मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया हुआ था बेबी सनरोज के बारे में, उसमें मैंने खुद लिप्स को निकाल के उसमें जड़ हुई है या नहीं हुई है मैंने खुद निकाल के दिखाया था, उसमें जड़ हुई है। तो इस तरह से आप नए नए प्लांट्स तैयार कर सकते हो काफ़ी सारे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू माई फ्रेंड्स।